प्रश्न एक, निम्न में से किस भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता ने भारत में पहले पुरापाषाणिक उपकरण की खोज की थी? क. गैलीलियो गैलीली, ख. रॉबर्ट ब्रूसफुट, ग. जेम्स कैमरून, घ. विलियम स्मिथ. सही उत्तर उत्तर ख. रॉबर्ट ब्रूसफुट. प्रश्न दो, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? क. केरल, ख. पंजाब, ग. गुजरात, घ. अरुणाचल प्रदेश. सही उत्तर उत्तर घ. अरुणाचल प्रदेश. प्रश्न तीन, सिनेमा जगत के क्षेत्र में इनमें से कौन सा सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दिया जाता है? क. नोबेल शांति पुरस्कार, ख. पद्मश्री, ग. भारत रत्न, घ. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. सही उत्तर उत्तर घ. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. प्रश्न चार, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? क. दिल्ली, ख. जयपुर, ग. मुंबई, घ. कोलकाता. सही उत्तर उत्तर ख. जयपुर. प्रश्न पाँच, भारत के किस शहर में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS स्थित है? क. दिल्ली, ख. मुंबई, ग. कोलकाता, घ. देहरादून. सही उत्तर उत्तर घ. देहरादून. प्रश्न छह, हिंदी भाषा को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? क. अनुच्छेद 343, ख. अनुच्छेद 345, ग. अनुच्छेद 346, ख. अनुच्छेद 349. सही उत्तर उत्तर क. अनुच्छेद 343. प्रश्न सात, भारत में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा एक सूचकांक सबसे उपयुक्त है? क. हरा सूचकांक, ख. मानव विकास सूचकांक, ग. बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ख. लैंगिक असमानता सूचकांक. सही उत्तर उत्तर ग. बहुआयामी गरीबी सूचकांक. प्रश्न आठ, डॉक्टर एनी बेसेंट किस पॉलिटिकल पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी? क. भारतीय जनता पार्टी, ख. समाजवादी पार्टी, ग. जन समाजवादी पार्टी, घ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. सही उत्तर उत्तर घ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. प्रश्न नौ, भारत की संतोष यादव किस पर्वत चोटी पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला थी? क. के दो, ख. माउंट एवरेस्ट, ग. नंगा पर्वत, घ. मनासलू. सही उत्तर उत्तर ख. माउंट एवरेस्ट. प्रश्न 10, निम्न में से किस देश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? क. बांग्लादेश, ख. नेपाल, ग. भूटान, घ. पाकिस्तान. सही उत्तर उत्तर क. बांग्लादेश.